हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीतू सिंह। और टारगेट स्टडी पॉइंट पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट टू ऑफ चैप्टर वन फिजिक्स क्लास 12। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था चार्ज क्या है, कैसे मेथड्स हमने पढ़े थे कि चार्ज कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किसके रिगार्डिंग है कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो चार्ज्ड है या नहीं। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है और बहुत ही सिंपल इसका सेटअप है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक ग्लास बॉक्स लिया है, ग्लास बॉक्स इसलिए ताकि हमें अंदर क्या हो रहा है वो हम देख सके। मेटल रॉड लगाई है और मेटल नॉब लगाया है टू मेक द कनेक्शंस। रबर कॉर्क लगाई है ताकि वो पूरी तरह से एयर टाइट हो जाए और उसमें कोई एयर जाके डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम ना करे। गोल्ड लीफ लगाई है, गोल्ड क्योंकि बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, लीफ इसलिए लीफ वर्ड यूज किया क्योंकि बहुत ही थिन स्ट्रिप्स लगाई है ताकि माइन्यूट से माइन्यूट करंट को भी सेंस कर ले। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हमें प्रोसेस देख के समझ में आएगा। हाउ डज इट वर्क, ये सेटअप पूरा कैसे काम करता है। हमें इस सेटअप को यूज करना है टू चेक कि कोई मेटल रॉड चार्ज्ड है या नहीं। तो जिस भी मेटल रॉड को हमें चेक करना है उसको हम इसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे। ये मैं एक मेटल रॉड इसके कॉन्टैक्ट में आई एंड लेट से ये मेटल रॉड चार्ज है, राइट। अब क्योंकि ये मेटल नॉब है और ये मेटल रॉड है, मेटल कंडक्टिंग है, तो ये चार्ज जिसको पाथ मिला है यहां से फ्लो होकर इस रॉड के साथ साथ नीचे आएगा और यहां पर जाने के बाद बाइफर्केट हो जाएगा। अब दोनों लीफ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है तो इसका मतलब रिपल्शन का जो इनके बीच में फोर्स लगेगा उसकी वजह से ये लीफ जो है स्लाइटली अपार्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, थोड़ा दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। न्यू पोजीशन ऑफ लीफ ये रेड वाली है, ये ओल्ड पोजीशन है, अब ये दूर हो चुकी है, अब ये लीफ यहां नहीं रहेंगी। तो अगर ये लीफ हैवी होती तो इनके वेट की वजह से ये ज्यादा सेपरेट हो नहीं पाती, इसलिए हमने इनको थिन लिया है जिसकी वजह से लीफ वर्ड यूज किया है। अगर ये माइल्ड कंडक्टर होता तो ये उतनी जल्दी सेंसेशन नहीं दिखा पाता, इसलिए हमने बेस्ट कंडक्टर लिया है। ये सेंसेशन हम देख पाए इसके लिए हमने ग्लास विंडो लिया है, ठीक है। तो कंप्लीट सेटअप क्या है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट का, वेरी सिंपल। एक ग्लास का बॉक्स आपको बनाना है, एक मेटल का रॉड बनाना है, मेटल का नॉब बनाना है और नीचे गोल्ड के लीफ लगाने हैं। जब आप मेटल रॉड को जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, ये वो रॉड है जिसको आपको नहीं पता इस पे क्या चार्ज है, तो आप अननोन रॉड इसको मान के चलेंगे, अननोन रॉड है आपके पास। अब ये अगर कंडक्टिंग है तो ये पार्ट होंगे, अगर ये पार्ट नहीं हुए इट मींस जो रॉड हमने यहाँ टच कराई है उसके पास कोई चार्ज था ही नहीं, इसका मतलब वो अनचार्ज रॉड है। क्लियर हो गया इस एक्सपेरिमेंट से। अब इसको वो एज एन एक्टिविटी भी पूछते हैं, एज एन एक्टिविटी कैसे, वो बोलेंगे कि आप अपना गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाइए। तो आप अपना गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसे बनाएंगे, सिंपल। घर में एक आप बॉटल लेंगे, उस बॉटल में कोई भी मेटल की आप एक रॉड लगाएंगे और उसको एयर टाइट एकदम बंद कर देंगे, कॉर्क लगा करके बंद करके उसमें एक मेटल का आप रॉड लगा देंगे, ये मेटल रॉड। और यहां पर आप एल्यूमिनियम फॉइल जो यूजुअली आप यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम फॉइल आप यहां पर लगा देंगे। उसके बाद आप यहां पर जो भी रॉड आपको चेक करनी है उसको टच कराएंगे कॉर्क के अंदर से, रॉड में चार्जेस जाएंगे और एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो अपना सेपरेशन की वजह से न्यू प्लेस ले लेगी। तो एक्टिविटी में आपको क्या क्या चाहिए, एक आपको ग्लास बॉटल चाहिए, एक रॉड चाहिए, एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए और आपको अननोन रॉड चाहिए जिसपे आपको चार्ज चेक करना है। क्या क्या चाहिए, ग्लास बॉटल, एल्यूमिनियम फॉइल, देन मेटल रॉड
या आप कोई भी आयरन रॉड ले सकते हैं, आयरन इज गुड मेटल, ये कोई भी आप रबर कॉर्ट ले सकते हैं, एंड देन आपकी अननोन रॉड। तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत ज्यादा डीप में जाने के लिए है नहीं, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट है। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किस लिए यूज करते हैं? अननोन चार्ज को स्टडी करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो साइंटिस्ट ने यूज किया था, ये वो लेमन सेटअप है जो आप अपने घर पे यूज करके इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देख सकते हैं। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कूलॉम्स लॉ। ये लॉ हमें आगे भी बहुत काम आने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो ये आपको इंजीनियरिंग में भी काम आएगा, कूलॉम्स लॉ। और अगर आप कॉम्पिटिशन्स ऑब्वियसली क्लियर कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन में भी कूलॉम्स लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस लॉ को बहुत ही ध्यान से समझना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं और 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन तो इससे बोर्ड में भी बनेगा ही। कूलॉम्स लॉ, पहले इसका थोड़ा मैथमेटिकल देखेंगे, डेफिनेशन उसके बाद देखेंगे। कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने ये बताया कि अगर कोई दो चार्जेस Q1 और Q2 एक डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे कुछ फोर्स एग्जर्ट करेंगे। Q1 Q2 के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, लेट से उस फोर्स को मैं नाम देती हूँ F21, क्योंकि वो 2 पर लग रहा है 1 की वजह से। नोटेशंस का यहाँ पर खास ध्यान देंगे क्योंकि फिजिक्स में नोटेशंस बहुत मैटर करने वाली, क्योंकि हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को नॉमिनेट करना है, उनका नॉमनक्लेचर करना है, ठीक है। तो ये हो गया F12, क्योंकि 1 पे लग रहा है 2 की वजह से ये फोर्स। तो कूलॉम्स का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसके हिसाब से उन्होंने ये पता लगाया कि जो ये इनके बीच में लगने वाला फोर्स है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू चार्जेस Q1 एंड Q2। देन अगेन उन्होंने ये पता लगाया कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू 1/r². अगर हम इन दोनों को क्लब कर देते हैं तो F प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 अपॉन r² के। जब भी हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। इस केस में उस कांस्टेंट को नाम दिया है K। तो ये हमारा फोर्स का फाइनल फॉर्मूला बन गया है और ये बिल्कुल सिमिलर सा है ग्रेविटेशनल फोर्स के, जैसे वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m1 m2 अपॉन r² और वहां का जो कांस्टेंट होता है कैपिटल G होता है। उसी तरीके से जैसे दो मासेस आपस में एक दूसरे के साथ फोर्स लगाते हैं, वैसे ही दो चार्जेस अगर कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स इस फॉर्मूले से दिया जाएगा और उस फोर्स को हम कहेंगे कूलॉम्स फोर्स, क्योंकि कूलॉम्स लॉ के हिसाब से ये है। अगर आपको कूलॉम्स लॉ को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट, कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R, then a force acts between them and that force is given as equation 1. That force is given as equation 1, या आप इसको कैसे लिखते हैं, that force is given as, और नीचे ये equation लिख देंगे, where, इस formula को हम आगे discuss करते हैं, where K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught experimentally calculated, अगर हम इसमें epsilon naught की value रख दें, जो कि है 8.8
85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, तो k की वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ना मैंने k की यूनिट लिखी है, ना मैंने एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिखी है, और बिना यूनिट के हमारी कोई भी चीज इनकम्प्लीट होती है. यूनिट्स मगअप नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं. कैलकुलेट करके देखते हैं यूनिट्स. सबसे पहले k की यूनिट निकाल के देखते हैं. इस इक्वेशन से बाय इक्वेशन 1 मैं k को एक तरफ रहने देती हूँ, बाकी सब कुछ एक तरफ ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा f r स्क्वायर अपॉन q1 q2. तो उस हिसाब से f इज फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन. r इज डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर. Q1 इज चार्ज, चार्ज के यूनिट कूलम्ब. रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, तो कैपिटल सी इसके लिए भी, कैपिटल सी इसके लिए भी, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर. ये आ गई आपकी k की यूनिट, राइट. k और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है? 4 पाई तो कांस्टेंट है, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो अगर इस इक्वेशन से, अगर मैं इसको इक्वेशन 2 बोल रही हूं, तो इक्वेशन 2 के हिसाब से एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया है 1 अपॉन 4 पाई के. यानी के की यूनिट यहां पर रखेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एन एम स्क्वायर. ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, राइट. क्या सीखा है हमने इस पूरे सिनेरियो में? कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कूलम्ब्स लॉ दिया. कूलम्ब्स लॉ किस बारे में है? जिस तरीके से ग्रेविटेशनल लॉ दो मासेस के बीच लगने वाले फोर्स को बताता है, उसी तरीके से कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की इक्वेशन हमें देता है. कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, देन अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन f इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. Where k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, ये experimentally calculated value है. Epsilon naught की value यहाँ पर है, और उस value को जब हमने इस equation 2 में put किया, तो solve करने के बाद हमारे पास जो k की value आई है, वो 9 into 10 to the power 9 आई है. Unit मगअप नहीं करना है, बहुत सारे unit है हमारे पास. करते करते habit में आ जाए, that is a different thing, लेकिन निकालने का बिल्कुल simple सा तरीका है. k की वैल्यू यहां से आप इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से k को एक तरफ रखते हुए बाकी सब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और आप यूनिट बना लेंगे. तो आपकी k की जो यूनिट बनी है वो बनी है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और c क्योंकि नीचे था, अगर इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में हो जाएगी. जो पावर 2 थी वो माइनस 2 हो जाएगी. एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें तो बिल्कुल k के अपोजिट है. राइट, क्लियर है? होपफुली आपने उतार भी लिया होगा. अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें, इसमें सारी चीजें क्लियर है. हमें पता है कि क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस है, एफ फोर्स है, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम. इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन आपके किसी छोटे मोटे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बन सकता है, जिसमें आपसे एप्सिलॉन आर की यूनिट पूछी जा सकती है, क्योंकि आप लोगों ने एप्सिलॉन की यूनिट तो निकालना सीख लिया. तो अब होता क्या है, 3 एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर. दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, and this is permittivity of medium. Now इन तीनों के बीच में relation क्या है? इन तीनों के बीच में relation है epsilon r is equals to epsilon upon epsilon naught. ये relation याद रखें. इन दोनों की जो unit है वो same है, which is this. अब एप्सिलॉन आर
क्या है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का ही रेशियो है, तो जो यूनिट ऊपर है वही यूनिट नीचे है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो एप्सिलॉन आर कैसा हो गया, यूनिटलेस, यूनिटलेस। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता क्या है, वन मार्क क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा होगा एप्सिलॉन आर इज हैविंग अ यूनिट ए बी सी डी, इसमें वो आपको इसी तरीके के कुछ ऑप्शन दे देंगे और आपको जो लर्न है आप सबसे पहले उसी को टिक कर देंगे और डी में लिखा होगा नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर की यूनिट होती है, और क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम होती है इसीलिए यूनिट टू यूनिट कैंसिल आउट होकर के एप्सिलॉन आर हो जाता है यूनिटलेस। बहुत ही छोटा पॉइंट है और ऐसे छोटे पॉइंट ही कॉम्पिटिशन में अक्सर फोकस कर लिए जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब हम एक चीज और देखते हैं कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम कूलॉम्स लॉ को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। कैसे करेंगे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट? जो चार्जेस Q1 और Q2 हमने लिए हैं इनको हम ओरिजिन से, वेक्टर में जब भी बात करते हैं ओरिजिन से बात करते हैं, हम इनको ओरिजिन से कोई डिस्टेंस दे देते हैं। लेट सपोज मैंने इसको डिस्टेंस दे दी R2, ये ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर है और ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, R2 1 which is equals to R2 minus R1। ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, एंड देन अगेन ये वेक्टर है, R2 minus R1, तो ये डिस्टेंस आ गई। इस हिसाब से ये R2 वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, अगर आपको किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले तो बात रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को कैप से। अगर मैं R21 वेक्टर का डायरेक्शन निकाल रही हूं तो दैट वुड बी इक्वल्स टू R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। डायरेक्शन क्यों निकाल रहे हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इसी यही है ना लाइन ऑफ एक्शन, इसी लाइन पे होगा, और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन R21 है। ठीक है, तो हमने R21 डायरेक्शन निकाल लिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों को, वेक्टर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, ओरिजिन से Q2 को डिस्टेंस दे दी R2, Q1 को दे दी R1, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई R2 माइनस R1, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है R21, दैट इज 2 माइनस 1, और इसका डायरेक्शन कितना हो गया, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो इस हिसाब से अब हम जो अपना कूलॉम्स लॉ हमने दिया उसका जो फॉर्मूला दिया उसको रिप्रेजेंट अगर वेक्टर टर्म्स में करें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के, कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R21 वेक्टर का स्क्वायर, किस डायरेक्शन में है फोर्स, इसी डायरेक्शन में है, तो ये हमारा हो गया है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, राइट, नोट इट डाउन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। अच्छा, अगर ये मैं ये मान रही हूँ कि जो फोर्स है आप, क्योंकि ये डायरेक्शनल फोर्स मैंने बोला, तो मैं मानती हूँ कि ये 2 पे 1 की वजह से फोर्स है, F21 2 पे 1 की वजह से फोर्स, जितना फोर्स 2 पे 1 की वजह से है उतना ही फोर्स 1 पे 2 की वजह से भी होगा। ठीक है, अगर मैं 2 पे कैलकुलेट कर रही हूँ तो वो F21 है, 1 पे कैलकुलेट कर रही हूँ तो वो F12 है, बट फोर्स तो सेम ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, दोनों में Q1 Q2 का प्रोडक्ट आ रहा है, दोनों की डिस्टेंस वही है, इधर से देखो या इधर से देखो फर्क तो सिर्फ डायरेक्शन का है।
तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एफ टू वन इज इक्वल्स टू एफ वन टू मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट। तो उसकी वजह से क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। और इस इक्वेशन से हम कंक्लूड करते हैं कि कूलॉम्स लॉ इज इन एग्रीमेंट विद किसके साथ? न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में क्या कहा था कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करें तो वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो वो ये प्रूव कर रहा है ना कि अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये भी अगेन 1 मार्क का एक स्मॉल क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन होगा कूलॉम्स लॉ इज इन एग्रीमेंट विद, और चार ऑप्शन में लिखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ या एम्पियर्स लॉ। तो किसके साथ कूलॉम्स लॉ एग्रीमेंट में है? न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ में, राइट? अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके बनते हैं? क्वेश्चन बनने से पहले आपको एक चीज इसमें और देखनी पड़ेगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वैसे तो आपने 11th में वेक्टर में इसको पढ़ा ही होगा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और जिसको डिटेल रिवीजन चाहिए, वेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो कीप इन माइंड वेक्टर आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए फिजिकल पार्ट के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे फेजर डायग्राम के साथ इसमें डील करना है, राइट? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर चार्जेस एक से ज्यादा हैं, लेट सपोज ये ओरिजिन है, यहां कोई चार्ज Q2 रखा है, यहां कोई चार्ज Q3 रखा है और यहां कोई चार्ज Q1 रखा है। Q3 की डिस्टेंस मैंने R3 मार्क कर दी, Q2 की R2 और Q1 की R1, राइट? इस डिस्टेंस को क्या मार्क करेंगे? R13, 1 minus 3, 1 3। इसको क्या मार्क करेंगे? R12, R1 minus R2, R12। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के हिसाब से दो चार्जेस अगर कुछ डिस्टेंस पे रखे हों तो उनमें आपस में फोर्स लगता है। तो उस हिसाब से यहाँ Q1 पे Q3 की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, इसको मैं नाम देती हूँ 1 3, क्योंकि 1 पे लग रहा है 3 की वजह से। सिमिलरली Q1 पे Q2 की वजह से भी एक फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स हो मैं मान लेती हूँ F12, यानी 1 पे लग रहा है 2 की वजह से। और कोई चार्ज तो नहीं है, Q1 पे सिर्फ दो ही चार्जेस की वजह से फोर्स लग सकता है, Q3 और Q2 की वजह से। तो जब दोनों की वजह से फोर्स लग रहा है तो जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, वो यहां कहीं लगेगा, जो F1 या नेट फोर्स इसको आप बोल सकते हैं। तो ये F1 किसकी वजह से है? F1 इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13। F1 जो है वो इन दोनों का एडिशन है। अब क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो डायरेक्ट तो ऐड हो नहीं जाएगा। वेक्टर एडिशन कैसे होता है? अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी, तो कैसे होगा? वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, एडिशन कैसे होता है? अंडर रूट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यानी कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक एंगल थीटा पर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो निकालने का तरीका क्या है? ये फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? तो F1 निकालने का तरीका क्या होगा? F12 प्लस F13। अगर हम इसको
सिंपल अगर हमारे पास वैल्यूज नहीं है तो अगर हम इसको सिंपली अभी कैलकुलेट करना चाहें तो ये कैसा हो जाएगा, एफ वन टू की वैल्यू कितनी होगी, ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। वेक्टर रिवाइज करें आप, बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में वेक्टर की। अब ये फोर्स मैं निकालने वाली हूँ, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, एफ वन टू इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू का स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में होगा, आर वन टू डायरेक्शन में, ये एफ वन टू है। एफ वन थ्री कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री का स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, आर वन थ्री डायरेक्शन में। एफ वन कितना हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये डायग्राम रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से, अब इस डायग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है। तो F कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर। अगर आप सीरीज को देख पा रहे हैं तो आप एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि यहां तो दो ही चार्जेस थे, अगर चार्जेस तीन होते यानी कि एक Q4 भी होता तो आगे कौन सी टर्म आ जाती, K Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसा ही होता, K Q1 सब में कॉमन है, कॉमन ले ले, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, Q2 R12 का स्क्वायर अपॉन R12 प्लस Q3 R13 कैप अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस Q4 R14 का स्क्वायर R14 का कैप। तो ये हमारा हो गया है नेट फोर्स। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि शो दैट n नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड नियर चार्ज कैपिटल Q, then find the total force on Q, तो total force कैसे निकालोगे, पहले एक की वजह से, दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से and so on, और सबको क्या कर देंगे, add कर देंगे। इसको generalized formula करते हैं, F net is equals to K Q1, यहाँ पर देखिए, ये कैसे चल रहा है सारा, Q2, Q3, Q4 ऐसे counting चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं समेशन क्यू आई आर, सब में वन है, पहली पोजीशन पे तो सब में वन 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 है, बाद में टू थ्री एंड फोर है, तो आर वन आई अपॉन में आर वन आई का स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल्स टू एन, और वो एन क्या हो सकता है, वेयर आई इक्वल्स टू एन एंड एन कैन बी, या आप यहीं पे मार्क कर दें कि आई जो है वो टू से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। एफ नेट इज के क्यू वन समेशन आई, टू से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ, और अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उनकी वजह से कूलम्स लॉ, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, आगे हम क्वेश्चन आंसर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स कुछ लेंगे, जिससे ये आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा, राइट, थैंक यू।